हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरा वीडियो जरूर आगे तक देखें। मैं अपने किचन पे और आज मैं बनाने वाली हूँ एक रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो रेसिपी किससे बनने वाली है पहले आप ये देख लो। तो आज की रेसिपी हम लौकी से बनाने वाले हैं, जो बच्चों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, मगर ये हमारे लिए कितना हेल्दी है वो आप ही जानते होंगे। हमें बच्चों को खिलाना चाहिए, तो किसी भी तरह से हमें बच्चों को ये सब खिलानी चाहिए, इसीलिए मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। तो आप सभी देखें ये रेसिपी कैसे बनती है। इसे थोड़ी देर के लिए बॉयल होने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो ये है हमारा चावल जिसे मैंने रात भर भिगो कर छोड़ दिया था। अब ये पूरी तरह से फूल चुकी है, अब हम इसे पीस लेंगे। इसे पीसने के लिए आप हल्का गर्म पानी का यूज करें तो ज्यादा अच्छी बनती है। तो जब तक हमारा लौकी बॉयल हो रहा है तब तक हम अपने चावल को पीस लेते हैं। तो मैंने चावल को जार में डाल दिया है। मैंने इसमें दो मिर्ची, थोड़ा सा खड़ा जीरा, दो चार लहसुन की कलियां और काली मिर्च डाली है। ये सब आप इसलिए डालें क्योंकि हमने लौकी में कोई मसाला नहीं डाला है, इसलिए हम चावल को पीसते वक्त ही इसमें सारा मसाला डाल देंगे। आप ये याद रखिएगा, आप इसे हल्का गर्म पानी से ही पीसिएगा तो ही ये अच्छा बनेगा। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। मसाले हमने इसमें डाल दिए थे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक और हल्दी डालेंगे, हल्दी डाल देंगे। हमारा पैन भी गर्म हो चुका है, तो आप इसमें अब ऑयल तो ये सिक चुका है, अब इसे हम पलट देते हैं। ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा बना है, इसका स्वाद भी बहुत ही टेस्टी होता है। आप सब जरूर बनाएं, एक बार जरूर ट्राई करें और खास करके बच्चों को तो जरूर बना के खिलाएं। ये हमारे लिए कितना हेल्दी होता है ना, ये आपको पता ही होगा, तो इसीलिए आप इसे जरूर बना के खिलाएं बच्चों को। ये देखिए मेरा तैयार है, अब मैं परी को खिलाती हूँ, देखती हूँ उसे पसंद आता है कि नहीं आता है। इसे आप चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, अचार के साथ, कुछ के साथ भी सर्व कीजिए, टेस्टी लगेगा। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। परी देखो आपके लिए कुछ बनाया है मैंने, देखो तो आप खा के तो देखो आपको कैसा लगता है। अच्छा लगा? बहुत टेस्टी है।
हे गाइस, तो मैंने परी को खिला दिया है, वो भी बिना बताए हुए। तो आप भी अपने घर में इसी तरह ट्राई करें, अपने बच्चों को इसी तरह खिलाया करें कुछ कुछ हेल्दी चीज़ें जो उनके लिए अच्छा हो, क्योंकि बच्चे आजकल हेल्दी चीज़ें खाया नहीं करते। इसीलिए आप ट्राई करें ये सब, तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी खाएँ, आपको भी बहुत पसंद आएगा। अब मेरे दोनों बच्चे बचे हुए, उन्हें भी जा रही हूँ मैं खिलाने के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।